सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, दुनिया भर में 21 फरवरी को मां बोली जबान का आलमी दिन मनाया जाता है। इस हवाले से विहाड़ी में भी एक तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तानी निजाद अमरीकी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजूर तारक लंगड़ियाल थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मंजूर तारक ने कहा कि मां बोली जबान को अगर कौमी जबान करार दिया जाए तो ये किसी भी सूरत कौमी सलामती के लिए मुनाफी नहीं होगा। हर जबान हर मुआशरे तहजीब व तमदन की अक्कासी होती है और दो हम जबानें बोलने वाले दिल आपस में मिलते हैं। कनाडा, रूस, न्यूजीलैंड, भारत जैसे मुल्कों में आज भी ये दिन माँ बोली के दिन के तौर पर मनाया जाता है। जो कौमें अपनी मादरी जबान भूल जाती हैं उन्हें दुनिया फरामोश कर देती है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी एजुकेशन अफिसर शाजिया अनवर ने कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद हमारी नौजवान नस्ल में आगाही देना है कि ये जो जबान हम अपने खितों में बोलते हैं ये हमारी पहचान है। इस वक्त दुनिया भर में 7099 जबानें बोली जाती हैं। अक्वामे मुत्तहिदा ने इस दिन को बतौर ख़ास मनाने के लिए 2000 में आज के ही दिन मां बोली जबान के तौर पर मनाने का ऐलान किया। तकरीब में मुकर्रीन ने मां बोली जबान बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर स्कूल के लॉन में पौधा भी लगाया गया और मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। अमेरिका में रहकर भी और मॉडर्न एजुकेशन लेकर भी वो बन सकता है, बल्कि असल मायनों में वही बन सकता है जो इनको इस तरह से लेके चलता है प्रैक्टिकली। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस अदारे को किसी भी जरिए से सही याद रखा। और इस अलमनाए में मैं, जैसे आपने कहा कि आप जब बनाने लगे तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे और ये जो काफिला आप लेके चलेंगे तो बहुत इसमें लोग शामिल होते जाएंगे। धन्यवादी है, पंजाबी ते इज्जत सानिया रखने वाली जुबान है, पंजाबी ते एक दूजे नूं मान देने वाली जुबान है। ते इत्थे साडे शेख साहब ने जिद्दां इस शहर नूं मान दिता, जिद्दां अपने भरावां नूं मान दिता, अज इस मां बोली दे दिन दे उत्ते इह सारियां गल्लां नूं याद करदे होए मैं फखर महसूस करदा कि मैं इन्हां लोकां दे नाल इस शहर दे विच रहिंदा पिया। मेरे वास्ते बहुत इज्जत दी बात और साडे वास्ते बहुत इज्जत तो अजमत दी बात है कि साडे कोल पंजाबी जुबान है जिहदे विच बारिश शाह मौजूद है, जिहदे विच बुल्ले शाह मौजूद है, जिहदे विच बहुत बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग मौजूद ने जिन्हें इतने सानू रवायात दित्तियां ने, ओ तरीके दिते ने जिन्हें में जाके असी अपनी पहचान और अपना नाम पैदा कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा देर अपने बच्चों के विच और इस स्कूल के मौजूदा तालिब इलम और साबका तालिब इलम दरम्यान हायल नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हाँ कि तुम बराए रास्त उन्होंने की नहीं पसंद। तो जब हमने यहाँ से सफ़र किया, मैं एक्चुअली आई बिलोंग टू माछीवाल, 555 चाहते माछीवाल के करीब। तो हम उस वक्त आते थे, कोई हमारी गाड़ी नहीं थी, कोई मोटरसाइकिल नहीं थी या साइकिल भी नहीं थी, बसों वालों की मर्जी थी, हमें उठा लेते, दो तीन बसों का हम इंतज़ार करते आ जाते। जब शाम को जाना होता, बड़ी गर्मी होती थी यहाँ पे, जो हमारे भाई हॉस्टल में होते उनके साथ मतलब बैठ जाते शाम तक। यहाँ की जो हॉस्टल की सबसे मज़ेदार थी माश की दाल होती थी, मंगल एंड बुध को वो पकती थी, मुझे आज भी याद है। तो वो मैं उनके साथ खाता था, मेरे को अभी याद है कि मंगल बुध में अभी गोश्त नहीं मिलता, इसीलिए वो दाल भी बड़ी मज़ेदार होती थी। तो यहाँ से शुरू किया, फिर मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट पे अमेरिका में चले गए। वहाँ पे मैं कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट आपके यहाँ बिहाड़ी में भी है, फारूक साहब दूसरे वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन हार्ट स्पेशलिस्ट की आगे के साथ 8 डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। एक होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, वो मरीज़ देख के उसके दवाई उसके मुताबिक दे देते हैं। मैं जो है ना वो हार्ट स्पेशलिस्ट, जो फ़र्ज़ किया कि शरियाने भी मरीज़ों के इलाज भी करते हैं, लेकिन उनका इलाज ऐसा है कि हार्ट अटैक हुआ है या आर्टरीज जो वेसल बंद हुई हैं तो उनको ग्रोइन के थ्रू जाके उनको ओपन करना, बलून डालना या स्टेंट डालना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखा। तो वो प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 साल से कर रहा हूँ। और मेरे दोनों बेटे भी, एक बेटे ने इंटरवेंशन, बोथ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट लाइक आई एम, एक